करें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन जी। नाइन्थ क्लास स्कूल आपके रीओपन होने लगे हैं, ठीक है, 15 सितंबर से। उम्मीद है कि आपने अपने आप को तैयार कर लिया होगा कि 15 सितंबर से इंशाल्लाह क्लासें अटेंड कीजिएगा, ठीक है। अब आपको बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, ठीक है। टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, सिलेबस भी साथ साथ ख़त्म होना है, पेपर की तैयारी होनी है, तो अपने आप को भरपूर तरीके से तैयार कीजिए, ठीक है, आने वाले वक्त के लिए, ठीक है, और बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे अपना लेसन इम्तिहान, ठीक है, उसकी रीडिंग हमने कर ली थी। उम्मीद है खुलासा आपने तैयार कर लिया होगा। अब हमने आज उसका एक्सरसाइज वर्क करना है, ठीक है। एक्सरसाइज वर्क के मुताबिक हमारे पास सफ़ा नंबर 73 है, आपका जो भी होगा आप देख लीजिएगा, उसके मुताबिक एक्सरसाइज वर्क करते हैं। उसके बाद एक ग्रामर का एक छोटा सा पार्ट भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट है, जिसके साथ ग्रामर को भी हम साथ मिला लेते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज वर्क पे आते हैं। मुख्तसर जवाब हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से आंसर हैं आपने देने हैं, ठीक है। जब आपने अच्छी तरह से अगर पढ़ाया तो आपको जवाब देने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको साथ साथ बता भी देती हूँ, ठीक है जी। पहला हिस्सा, अलिफ, मज़मून निगार को इम्तिहान से घबराने वालों पर हंसी क्यों आती थी? क्यों आती थी हंसी? कि वो घबराते थे। तो मज़मून निगार जो था वो इन चीज़ों से घबराता नहीं था, कहता क्या बात है, इम्तिहान है ना, कोई बात नहीं, आएगा तो दे देंगे, ठीक है। तो वो उनको घबराने पर हंसता था, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए, जूँ जूँ इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, मज़मून निगार के दोस्तों और हम जमातों का क्या हाल होता था? क्या हाल होता था उनका, ठीक है। वो आपके सफ़ा नंबर 70 पहला पैराग्राफ की सेकंड लाइन में देखिए, उसमें कोई जवाब उसने दिया हुआ है कि मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जूँ जूँ इम्तिहान के दिन करीब आते जाते थे, इनके हवास, इनका दमाम मुख्तखल और इनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी, ठीक है। ये आपका जवाब है, आपने अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, मज़मून निगार ने कौन सा इम्तिहान दिया था? तो कौन सा इम्तिहान था? लॉ क्लास का, वकालत का, ठीक है, वकालत का इम्तिहान दिया था, या लॉ क्लास का आप कह सकते हैं। उसके बाद है जी सवाल नंबर 4 कि मज़मून निगार ने इम्तिहान दिया तो क्या नतीजा निकला? क्या नतीजा निकला था? कि वो फ़ेल हो गए थे। क्या वजह थी फ़ेल होने की? कि वो पढ़ते नहीं थे, ठीक है, घर से पढ़ाई का बहाना करके निकलते थे और अपने दोस्तों यारों में वक्त गुजार कर आ जाया करते थे, ठीक है। उसका नतीजा क्या निकलना है? फ़ेल होना। तो फ़ेल होना अच्छी बात तो नहीं ना होती, शर्मिंदगी होती है बहुत ज़्यादा सब लोगों के सामने, मिलने जुलने वालों के सामने। इसलिए ये है कि जो वक्त मिला है उसको अच्छे तरीके से सर्व करना चाहिए। तो आपने इसका जवाब सिर्फ ये लिखना है कि नतीजा क्या निकला? फ़ेल हो गया, वो फ़ेल हो गए थे, ठीक है। आखिरी सवाल देखिए, मज़मून निगार के वालिद ने किस तरह तसल्ली दी, ठीक है। तो ये आपके सफ़ा नंबर 73 ही पर उसके पैराग्राफ की आखिरी लाइन में जवाब दिया हुआ है कि उनके फादर ने कहा, उनके वालिद साहब ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कोई घबराने की बात नहीं है, इस साल नहीं तो आइंदा साल से, ठीक है, ये कहा था उन्होंने, ठीक है। इसमें उनके मुख्तसर से जवाब थे, उम्मीद है कि आपने गौर से सुने होंगे। उसके बाद है सबक का खुलासा, खुलासा आप उम्मीद है कि कर चुके होंगे, नहीं भी किया तो अब कर लीजिए, ठीक है, आपके अपने काम आना है। उसके बाद है तरकीब के माने, माने मैं आपको बता चुकी हूँ, सारे तकरीबन सारे ही वही हैं जो कर चुके हैं हम। वाहिद के जमा, ठीक है, ये देख लीजिए, ये भी छोटे होते से आप करते आ रहे हैं, मुश्किल नहीं है, खुद ही करने चाहिए, लेकिन चले मैं बता भी देती हूँ। इम्तिहान, इम्तिहानात, ख्याल, ख्यालात, मशगला, मशागिल, वकील, वकला, मुमतहन, मुमतन, मुमतना, ठीक है, तदबीर, तदाबीर, मजमून, मजामीन, ठीक है, मुमताहीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अराब लगाकर तलफ़ वाजिया कीजिए, ठीक है, तो ये मैं आपको लिखी हुई सूरत में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, ये आपके MCQs की सूरत में आते हैं, पता है ना आपको, ठीक है, तो इसलिए आपको याद करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपका है एक एक्टिविटी वर्क की, समझ लें कि दुरुस्त की निशानदेही करनी है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। पहला मैं आपको कर देती हूँ, वैसे बंदे पर इम्तिहान का असर नहीं था, कितना? रत्ती बराबर, या ज़रा बराबर, या मामूली, या बिल्कुल। तो क्या था? रत्ती बराबर, बिल्कुल भी, यानी कि उसे फिक्र नहीं थी, ठीक है जी। उसके बाद है जी अगले वाले सारे आप खुद कीजिएगा। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स भी हैं, ये भी आपके सबक के हवाले से ही है, ये भी आपने खुद करनी है। पहली वाली मैं आपको दिखता देती हूँ कि लोग डैश के नाम से घबराते हैं लेकिन मुझे इनके डैश पर हंसी आती है, लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं लेकिन मुझे इनके घबराने पर हंसी आती है, आपके पहले सवाल का जवाब भी है, ठीक है। इसके बाद ये सारे आपने खुद करने हैं, ठीक है। अब सफ़ा नंबर 75 पे आते हैं हम, ठीक है। क्या है
के कॉलम अलिफ को बे से मिलाना है, ठीक है। जिसके मुताबिक देखिए फरतुल्ला बेग कौन था, ठीक है, फरतुल्ला बेग कौन है, उनका कौन नहीं, ये इम्तिहान उनका लेसन है, ठीक है। उसके साथ आपकी अटैचमेंट होगी यहाँ पर। फेल, फेल का क्या होता है, पास, ठीक है, जीना, मरना, दो साल, ला क्लास, ठीक है, लॉ क्लास थी ना, दो साल का उसका अरसा था। उसके बाद बुढ़ा, बुढ़िया, तकदीर, तदबीर, मुश्किल, आसान, कामयाबी, नाकामी, दरख्वास्त, दरख्वास्त का क्या रह गया, एक मंजूर, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सरसाइज वर्क। बाकी ग्रामर वर्क है, ग्रामर वर्क को इंशाल्लाह जब ग्रामर में आएंगे तो उस वक्त वहाँ पर करेंगे, यहाँ पर नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है। तो ये आपका ग्रामर वर्क हो गया, एक्सरसाइज वर्क हो गया, मुकम्मल हो गया। अब हमने अपना बी वर्क का थोड़ा सा काम करना है, वो देखिएगा आपके इसके मुताबिक आ जाएगा बी वर्क। आपकी स्टोरी है, ठीक है, सफ़ा नंबर 105 है मेरे पास, आपके पास जो भी होगा देख लीजिएगा, ठीक है। दूध में पानी, ये स्टोरी का नाम है, ठीक है, ये टाइटल नहीं है, ये नतीजा नहीं है, दूध में पानी सिर्फ टाइटल है, सॉरी टाइटल है, नतीजा नहीं है, नतीजा हम नीचे देखेंगे कहानी पढ़ने के बाद, ठीक है। कि एक गवाला था, गवाला किसे कहते हैं, जो दूध बेचता है, ठीक है, जो एक पहाड़ के दामन में रहता था, वहीं अपनी गायें भी रखता था। दिन भर गायें इधर उधर घास चरती रहती, शाम से ज़रा पहले दूध धोता और इसमें बहुत सा पानी मिला देता, यानी कि जब दूध निकाल लेता अपनी गायों का तो उसमें बहुत सारा पानी मिलाता था। करीब ही एक कस्बा था, शाम के अंधेरे में दूध ले आता और खालिस दूध की सदा लगाकर बेच देता, यानी कि सदा लगाकर आवाज़ लगाता कि खालिस दूध है, जबकि खालिस तो नहीं रहता था ना, क्योंकि पानी मिलाता था। वो ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदता और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता, यानी कि पैसा जो कमाता था वहाँ से अपनी चीज़ें लेता था और वापस अपने घर आ जाता था। दूध के ग्राहक अक्सर शिकायत करते कि दूध पतला है, इसमें पानी ना मिलाया करो, मगर गवाला था कि इसका इस कान से सुनता, इस कान उड़ा देता और कहता, तो यही कहता, दूध खुश तो होता नहीं, दूध में पानी की मिलावट कुदरती अमर है, मैं पानी मिलाने वाला कौन, यानी कि बात को ना टाल दिया करता था, ठीक है, अपने झूठ को छुपाने के लिए कहता कि मैं कौन होता हूँ, दूध तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, तो मैं तो नहीं पानी मिलाता, होता ही ऐसा है। अगला पैराग्राफ देखिए, इसी तरह एक अरसा गुजर गया, ग्वाले के पास बहुत सा रुपया जमा हो गया और उसे अपनी दौलतमंदी का एहसास होने लगा, यानी कि उसने इस गलत तरीके से कमाई दौलत का अंबार इकट्ठा कर लिया। अब वो तन कर चलता और एंठा एंठा फिरता, यानी कि अकड़ अकड़ कर फिरता, ठीक है, एंठा एंठा फिरना, अकड़ कर फिरना, फिरता, किसी की शिकायत पर काम न धरता, लालच बढ़ता गया और वो दूध में पहले ज़्यादा पानी मिलाने लगा, यानी कि जब इंसान के पास दौलत आ जाती है ना तो वो फिर और कोशिश करता है कि मैं इसको और मज़ीद बढ़ाऊँ, उसका लालच बढ़ जाता है। इसी तरह इस गवाले का भी लालच बढ़ गया। एक दिन यकायक सियाह घटा उठी मीन काले बादल आ गए, बड़ी फैली और आसमान पर छा दी, ठीक है, सूरज को अपनी लपेट में ले ली और हर तरफ तारीख शामियाने तन दिया, यानी कि बिल्कुल अंधेरा हो गया, बादल के सूरज छुप गया और बादल आ गए। ग्वाला बहुत खुश हुआ कि अब मी बरसेगा, घास बढ़ेगी, गाय खाएंगी और ज़्यादा दूध देंगी, बस वारे न्यारे हो जाएंगे, यानी कि वो इस बात पे खुश हो जाता है कि खूब घास पानी बरसेगा तो घास जो है उगेगी खूब और मैं फ्री में उसकी गाय खाएंगी और दूध देंगी ज़्यादा। बादल गरजा, बिजली चमकी, बूंदें टपकी और मूसलाधार बारिश होने लगी, ओले पड़ने लगे और हर तरफ पानी ही पानी हो गया, पहाड़ों से पानी का सैलाब उतरा और इस शिद्दत से बढ़ा कि ग्वाले की सारी गायें और जो कुछ घर में जमा था बहा कर ले गया, यानी कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ होगा लेकिन इस ग्वाले का भी नुकसान हो गया कि उसकी सारी गायें, उसके घर का सामान सारा जो है पानी में बह गया। अब ग्वाले के पास ना गायें थी ना नकदी, परेशान था, घबराहट में हर शख्स से कहता था, मैंने ऐसा सैलाब ना कभी देखा था ना सुना था, मालूम नहीं इतना पानी कहाँ से आ गया। एक अकलमंद ने सुना तो कहा, ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाया करते थे, यानी कि एक कलमंद आदमी था, उसने कहा कि ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाया करते थे, यानी कि उसको एक चोट कही, उसको तंज किया उसके ऊपर, ठीक है, खुदा ने इसी पानी को सैलाब बनाया और तुम्हें बेईमानी और बददियानती की सज़ा दी, ठीक है। तो यही इस कहानी का अंजाम भी था कि उसको बददियानती की सज़ा मिलती है, तो आप इसका नतीजा यही लिखेंगे, बददियानती की सज़ा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कहानी थी, ये पैराग्राफ की सूरत में लिखनी है, जहाँ कॉमास लगे हुए हैं वहाँ ध्यान से गौर से कॉमास वगैरह लगाने हैं, क्योंकि एक बात के बाद जब दूसरी बात को कंटिन्यू किया जाता है कॉमा में किया जाता है, ठीक है, तो ये आपने ख्याल करना है।
और जब किसी की कही बात को कहनी है तो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करनी है। कहानी में यही लवाजमात आपने देखनी है और अच्छी तरह से करनी है, ठीक है। इसके बाद आप अगले सफ़े पर अगर आते हैं तो दो आपके खाके की मदद से कहानियाँ इस सिलेबस में शामिल हैं। एक है कहानी नंबर 6 और 7, ठीक है, अंगूर खट्टे हैं और इत्तफाक में बरते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपने खुद से करनी है, अच्छे तरीके से कीजिएगा, घर में वालों को लिख कर दिखाइएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम अपने जो भी ग्रामर वर्क रह गया उसके करेंगे, क्योंकि हमारा एक का काम एक ही ऐसे था, आपका वो ख़त्म हो गया, ठीक है। एक शायरी है शायद, हाँ वो करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जैसे ही मुलाकात होती है हम करते हैं, ठीक है। उस वक्त तक के अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।